हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर स्पेशल ऑरेंज केक। आज के इस ऑरेंज केक की रेसिपी मैंने कढ़ाई में बनाया है, आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए ऑरेंज केक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। मैंने एक बाउल में एक कप मैदा लिया है, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक दूसरे बाउल में हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1/4 कप ऑयल लेंगे, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑरेंज जूस, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। तो यहाँ मैंने 1/2 कप पाउडर्ड शुगर लिया है, बट इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हम थोड़े थोड़े करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बिना किसी लम्स के। और ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो अब हम डालेंगे इसमें ऑरेंज जूस। इज नथिंग बट ऑरेंज का छिलका जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है, और उसके बाद हम इसमें कलर ड्रॉप्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा केक का बैटर रेडी है। मैंने ऑलरेडी मैं जिसमें केक बेक करने वाली हूँ उसे मैंने ऑयल से ग्रीस और मैदे को स्प्रिंकल करके रखा है, तो अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूंगी। और इसे हम 2 से 3 बार ऐसा टैप कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने मेरी कढ़ाई को ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा है, तो अब हम इसमें अपना टिन रख देंगे और इसे ढक कर 15 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और उसके बाद 50-55 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। तो ये 50 मिनट्स बाद मैं इसमें एक टूथपिक डालकर देखूंगी। तो ये देखिए टूथपिक एकदम प्लेन निकला है, मतलब हमारा केक पक चुका है। देखिए ये हमारा केक रेडी है। अब हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ब्लूबर्ड कंपनी का व्हिप क्रीम का पाउडर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 100 ml ठंडा पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करना है। 15 मिनट बाद हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हाई फ्लेम पर बीट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
अब हम इस व्हिप क्रीम को आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। तो ये देखिए आधे घंटे बाद हमारा व्हिप क्रीम एकदम तैयार है। अब हम बनाएंगे ऑरेंज जेल। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑरेंज जूस लिया था, बट उसमें से हम हाफ रखेंगे और हाफ इसमें डालेंगे। और यहाँ मैंने 2.5 टेबलस्पून चीनी लिया है, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। और ये हमारा ऑरेंज जूस बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो जो हमने आधा ऑरेंज जूस बचा कर रखा था ना, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और वही अब इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। हमें इसे लो फ्लेम पर ही मिक्स करते रहना है। ये देखिए हमारा जेल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें कलर डालूंगी, तो मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है इसमें, और उसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा ऑरेंज जेल रेडी है। और ये हमारा केक ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब मैं इसका ऊपर का लेयर कट कर दूंगी। इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है। और उसके बाद हम इसे दो भाग में कट कर लेंगे। में डालेंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप हमें अच्छे से डालना है, आप शुगर सिरप की जगह पे ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम को मैं स्क्रैपर के हेल्प से अच्छे से पूरे केक पर लगा दूंगी। दूसरा भाग इसके ऊपर रख देंगे और इस पे भी अच्छे से शुगर सिरप डालेंगे। वापस से हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम डालेंगे और इसे स्पैचुला के हेल्प से मैं अच्छे से अपने केक पर लगा दूंगी, और मैं इस साइड से भी अच्छे से व्हिप क्रीम लगा दूंगी। अब हम इसमें ऑरेंज जेल पाइपिंग बैग में डाला है मैंने, और उसे मैं ऐसे साइड से डेकोरेट कर लूंगी। तो थोड़ा ऐसा हमें टेढ़ा टेढ़ा करना है ताकि वो नीचे भी गिरे। अब हम ऊपर से सब पूरा पाइपिंग जेल हमारा केक में लगा देंगे। क्रैपर की हेल्प से हम इसे पूरे केक में अच्छे से लगा देंगे। और उसके बाद मैं इसे नोजल से ऐसे फ्लावर का डेकोरेशन कर दूंगी। तो ये देखिए ये हमारा ऑरेंज केक एकदम तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। तो आप भी इस केक की रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।